हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और यह है न्यू बैच 2024 का चैप्टर है आपका लाभ हानि एक्सरसाइज 02। इससे पहले हम आपको एक्सरसाइज 1 करवा चुके हैं पूरा 60 क्वेश्चन का, तो उसको पूरा बनाइए, रिवाइज कीजिए, फिर आप एक्सरसाइज 2 में आइए। और लाभ हानि ये दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका परसेंटेज है। अगर आपका परसेंटेज पूरा क्लियर नहीं है तो आप पहले परसेंटेज क्लियर कीजिए, फिर आप आइए लॉस एंड प्रॉफिट में। अब देखिए, ये बिल्कुल न्यू मेथड पर आधारित है। हम आपको अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं उससे ये बहुत ज़्यादा अलग होगा, और उससे मतलब सोचिए आपको 200% ये और भी ज़्यादा ईजी है। तो आपको बहुत ही आसानी से आपको 3 से 4 घंटे के पूरा वीडियो में, पूरा क्लास में आपको पूरा परसेंटेज पूरा लाभ हानि चैप्टर आपको हम सिखा सकते हैं। और आप भी इसको मतलब बहुत ध्यान से पढ़िए, हम आपको जैसा आपको बोल रहे हैं वैसे आप कीजिए, आप 100% सीख जाइएगा। आपको अलग से कोई भी ट्रिक्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो मेथड समझा रहे हैं उस मेथड से आप बस क्वेश्चन समझिए और आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। 75% तक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे, 2 सेकंड के अंदर भी आप क्वेश्चन का आंसर मार सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत हो रही है। टोटल आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा इसमें भी, तो आप पूरे 60 क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। अभी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 10 तक यानी लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसा है जिसका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। तो आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कीजिए, और उसके बाद फिर जब लास्ट में 60 तक आप बना लें उसका फिर आप आइए 3 से 10 तक पढ़िए। यानी कि आप अपनी सुविधा के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 60 पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप 3 से लेकर के 10 पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि एक और दो पढ़िए, फिर 11 से 60 तक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप 3 से 10 पढ़ लीजिए, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। हालांकि 3 से 10 के बीच कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, और हम आपको अभी जितने भी क्वेश्चन को बना रहे हैं, करवा रहे हैं नया बैच में, सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 से 3 मेथड आपको हम बताते हैं, 2 से 3 तरीका आपको बताते ही बताते हैं। तो पहले देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम लोग देने जा रहे हैं, तो इसमें आपको मतलब टाइम कम मिलती है, उसी कम टाइम में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं। जिसका कैलकुलेशन ज़्यादा होता है हमारे अनुसार उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस अभी करनी है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, क्वेश्चन को आपको ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन कि आप पूरा मेथड से बनाइए, ट्रिक्स लगाइए, आपको जैसे बन जाए, जितना जल्दी बन जाए उतना जल्दी आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें क्या करता है, उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के तुल्य हो जाती है। मतलब कि एक्स रुपया अगर उसका लागत मूल्य है तो एक्स परसेंट ही उसका लाभ है, यानी कि एक्स परसेंट ही उसका क्या है, लाभ है, यानी कि एक्स प्लस एक्स का एक्स परसेंट, ये क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि कितना रुपया है, 24 रुपया में बेचता है, समझ गए। तो अब देखिए, जैसे कि अगर 21 रुपया लागत मूल्य है तो 21% ही लाभ है, जैसे 20 रुपया अगर लागत मूल्य है तो 20% ही उसका लाभ है, यानी लागत मूल्य के बराबर ही लाभ प्रतिशत है। अगर 22 रुपया कीमत है तो 22 रुपया ही उसका लागत मूल्य है, और अगर 18 रुपया है तो 18% ही उसका लागत मूल्य है। तो पहला राउंड में आप लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, आप इसको ऑप्शन ही आप चेक कर लीजिए। जैसे ऑप्शन देखिए, पूर्ण संख्या में दिया हुआ है, यानी 21 का 21% 24 के बराबर होगी, तो 21 का 21% जो है 24 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये इसका आंसर जो है दशमलव में आ जाएगा। उसी तरह देखिए, 18 का 18% कितना होगा, 18 का 18% कितना होगा, तो ये भी पॉइंट में आ रही है। 22 का 22% भी पॉइंट में ही आ रही है। 20 का 20% कितना होगा, 20 का 20% 4 होगा, 20 और 4 24, तो हमारा ये ऑप्शन मैच कर रही है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन में ही बना सकते हैं। अब आइए हम लोग मेथड से बनाते हैं कि इसको कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में परसेंटेज बनाते समय कि 10% ज़्यादा मतलब 100 प्लस 10%, 10% 20% ज़्यादा मतलब 100 प्लस 20%,
एक्स परसेंट ज़्यादा मतलब 100 प्लस एक्स परसेंट, यानी कि एक्स का 100 प्लस एक्स परसेंट बराबर क्या है 24 है, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10% आता तो क्या करते, एक्स का 110% करते ना, तो 100 प्लस 10 होता है 110 में, तो यहाँ पे क्या एक्स का, या फिर इसको और सिंपल करने के लिए आपको हम बता रहे हैं क्या करिए कि एक्स ये क्या क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया एक्स, माना कि सीपी बराबर एक्स है, लाभ कितना है एक्स का ही एक्स परसेंट है, एक्स का एक्स परसेंट है, ये क्या है लाभ है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 24 में बेचने पर, ठीक है ये आपका इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर आएगा, ये 100 इसमें गुना हो जाएगा 100 एक्स आएगा, ऐसे 24 आएगा, तो पहला क्वेश्चन को पूरा बना लेते हैं ठीक है, 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 100 बराबर 24। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स, ये 24 ये 100 उधर जाके गुना हो जाएगा 2400 बन जाएगा, 2400 इधर माइनस हो जाएगा माइनस 2400 2400 बराबर 0, यह क्या हो गया एक द्विघात समीकरण हो गया, यानी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 2400 को पहले गुणनखंड करते हैं, फिर 100 को दो भाग में डिवाइड करते हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए पहले हम पूरा फुल मेथड से बनाते हैं, पहले आप सीखिए फिर इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो चलिए 2400 का गुणनखंड करने पे क्या आएगा, अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी घटाने पे हमको चाहिए 100, तो क्या हो सकता है 12 × 24 यानी कि 12 × 2 = 10 × 2 हम इसको कर सकते हैं 2400 क्या लिख सकते हैं 2400 को एक तो आप ऐसे दू दू करके लिखिएगा, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं कॉम्पिटिशन लेवल में आ चुके हैं, तो इसको क्या लिखेगा कि 2 × 12 × 100 है। चलिए अब यहीं से हमको अंदाज़ा मिल जाएगा, 100 को भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं 10 × 12 = 120 × 10 = 20 यानी कि 120 − 20 करने पे हमें 100 मिल जाएगी, 120 − 20 करने पे 100 मिल जाएगी। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 120x − 20x − 2400 = 0। अब देखिए जब आपको माइनस आती है ना, तो जब छोटी संख्या माइनस में आती है वही आपका आंसर हो जाता है, जो छोटी संख्या माइनस में आती है वही आपका आंसर होता है, इसको आप याद रखिए हमेशा, जब छोटी संख्या के पीछे माइनस लग जाएगी तो वही आपका हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए अगर कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा कॉमन x प्लस 120, यहाँ पर देखिए माइनस 20 हो जाएगा कॉमन x प्लस 120 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 20 इंटू x प्लस 120 आएगा, तो हमें तो आंसर चाहिए किसमें, पॉजिटिव चाहिए आंसर, तो माइनस वाला को रखेंगे इस पर, बाद में की सब कट जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि x प्लस 120 हो गया कॉमन, x माइनस 20 बच गया यहाँ पे बराबर 0। तो अब x माइनस 20 यहाँ पे रख लिए और ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 0 × x + 120 यानी x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20 आ गया ना 20। तो पहला तरीका तो आपका ये रहा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन में बना लीजिए, दूसरा तरीका क्या हुआ आप ये पूरा बना करके यहाँ 20 निकाल के लाइए, और तीसरा तरीका क्या रहा कि अगर आपका छोटी संख्या में माइनस आ रहा है या फिर बड़ी संख्या में भी अगर माइनस आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है इसको हम मिटा करके दोबारा से बनाते हैं, आप इसको स्क्रीन को रोक करके आप इसको पूरा लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये क्लास 7 8 में भी बहुत सारा इस तरह के क्वेश्चन आती है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा दूसरे और तरीके से थोड़ा और आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए यानी कि x का यानी कि x इंटू एक्स प्लस सॉरी x इंटू 100 प्लस x परसेंट इस तरह से लिखते हैं बराबर 24। तो यानी कि यहीं पे हमें पता चल रही है क्या कि x स्क्वायर प्लस 100x प्लस
100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2400 हो रही है ना। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या 2400 को दो भाग में डिवाइड करना है और हमें घटाने पे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। इसको जब तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगी। तो अब हमेशा कोशिश करना है कि यहाँ पे माइनस है ना, यानी घटाने पे हमें 100 चाहिए। तो 2400 को दो भाग में जितना जल्दी हो सके उतना बार जल्दी डिवाइड कर लीजिए, 2 × 12 और 10 × 10 करके देख लीजिए आ जाएगी। तो यानी कि 120 और 20 हमें मिल रही है। तो 120 और माइनस 20 करेंगे तो जैसे ही 100 को आप क्या कर सकते हैं, 120 और माइनस 20, तो माइनस 20 वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। आपको यहीं पे समझ आना चाहिए हमारा आंसर 20 आने वाला है। तो इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो है आपका ऑप्शन वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से है, आइए बनाते हैं। एक दुकानदार ने अपना सामान 75 में बेचा, यदि वह उसके लाभ का प्रतिशत के समान ही लागत मूल्य है तो क्या है लागत मूल्य। तब देखिए ऑप्शन पे पहले चेक कर लीजिए, 4 × 16 यानी 16, 40 और 16 कितना, 75 नहीं होगा, 50 का 50%, 50 का 50% 25 होता है, 50 25 75 हो जाता है, यानी आपका आंसर 50 हमें यहीं पे मिल जाती है, ठीक है। तो इतना आसान है, लेकिन अगर हम इसको लेके आएंगे मेथड में तो x इंटू 100 प्लस x कर लेते हैं, या फिर x प्लस 100 भी कर सकते हैं, 100 प्लस x बट्टा 100 बराबर 75, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0। इतना हम कैलकुलेशन माइंड में करके इसको इस रूप में लिख लिए। अब देखें यहाँ पे माइनस सिंबल है ना, माइनस सिंबल है, यानी हमें घटाने पे चाहिए कितना, 100 चाहिए। 75 को आप 3-4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे 25 × 3 = 75 होता है ना, 25 × 3 × 10 × 10 कर लेते हैं, ठीक है। 2 के फॉर्म में नहीं लाते हैं, 25 × 3 = 75, 25 × 6 = 150 हो सकता है, और 10 × 5 = 50, 150 और 50 में टूटेगा, 150 और माइनस 50 इसमें टूटेगा, ये 150 और माइनस 50 में टूटेगा। तो अब देखिए 150 और माइनस 50 में टूटेगा तो आपका आंसर क्या हो रहा है, जब यहाँ पे 50 माइनस में आ गया तो हम आपका आंसर वही उसी समझ लें कि हमारा आंसर 50 होगा, जो आ गया माइनस में वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या जो माइनस में आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 8 तक ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाली है। तो आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कीजिए और लास्ट करने के बाद फिर दोबारा से 3 से लेकर के 8 तक कर लीजिएगा। हालांकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कॉमन लेकर के इसके कैलकुलेशन को ईजी बनाएंगे। हालांकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो मिश्रण विधि से भी बन जाएगा, जो कि आपको हम सिखाएंगे मिश्रण चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में। और आइए फिलहाल हम लोग इसको कैलकुलेशन और परसेंटेज मेथड पे ही बनाते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल हिसाब किताब जैसा क्वेश्चन है, क्या कहता है, 25 किलोग्राम चावल 16.5 ग्रेड से और 35 किलोग्राम चावल 24.5 ग्रेड से खरीदता है, दोनों को मिला करके किस रेट से बेचे कि उसको 25% का लाभ हो जाए। तो अब देखिए मिश्रण का क्रय मूल्य का 125% निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए इसको हम लोग इसको 25 × 16.5 प्लस 35 × 24.5 कर लेते हैं, इतना हो गया रुपया। अब बट्टा कर लेते हैं कितना, टोटल वेट कितना है, 35 किलो और 25 किलो, 60 किलो हो गया टोटल, और इतना का निकालना हमें कितना परसेंट, 125%, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको आप जितना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं उतना जल्दी कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर रेडी है। अब देखिए अब इसमें से हम कुछ कॉमन कर लेते हैं, इसमें देखिए 25 है, इसमें भी 5 × 5 है, 25 इसमें भी है, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, 25 को कर लेते हैं कॉमन, 25 कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा, 16.5 अब प्लस, इसमें से देखिए क्या निकल रहा है, 5 निकलेगा तो बचे क्या, 7 बच गया और गुना, और 5 इसमें से निकला तो 5 × 20 और 5 × 9 = 45, 4.9 बच गया। अब देखिए 7 × 4.9, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब
963 343 होती है ना, 307 का क्यू कितना होता है, 343 प्लस 34.3 आ गया, और बट्टा में 60 है और गुना है 125/100। कटाना चाहेंगे तो 25 कट जाएगा इसमें चार बार में, और यहाँ पे कुछ कटेगा, अगर 5 से कटाएंगे तो 12 आ जाएगी। चलिए इसको हम फिलहाल रहने देते हैं। अब 16.5 और 34.3 को कटाते हैं आपस में, तो कितना कटेगा, तो ये कटेगा दोनों को जोड़िए, 16 और 34 50 और 5 3 8 50.8 आ गया, 50.8 बट्टा में 60 गुना में 125/4 आ गया। ये कटेगा किससे, तो ये कटेगा आपका मतलब 12 से कट जाएगा, 6 से 8 5 13 ये पहले तो इसको हम लोग 4 से कटा लेते हैं, 4 से 12 चौक 48 और 4 6 24। अब इसको हम लोग कटाते हैं, इसको और इससे कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो यहाँ आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 25। अब ये 2 से कटेगा, ये आएगा 6 आएगा और 6.3 आएगा, तो कुल मिला के 6.3 गुना 25/6 ठीक है। अब इसको गुना करें, 25 दिया 75, 25 6 150 और 7 157 एक अंक के बाद दशमलव बट्टा में 6। अब देखिए, अब 6 × 12 = 37 36.26 6 × 12 = 37 फिर से 6 × 12 = 26 2 करके कुछ आएगा, 26.  तो अब देखिए आपको ऑप्शन जो है 26.46 है, 26.50 है, 27.50 है, 28 कुछ है, तो 26.46 है ये आपका हो जाएगा आंसर। बस इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। एक व्यापारी ने 5 किलोग्राम चावल 75 की दर से और 10 किलोग्राम चावल 100 की दर से खरीदा, वह इन दोनों नमूनों को मिला देता है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण कितने रुपए की दर से बेचेगा। ये थोड़ा सा आसान होने वाली है, 5 × 75 यानी कि 5 × 75 75 चौका 300 + 75 यानी कि 375। इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 5 × 75 प्लस 10 × 100 बट्टा टोटल कितना किलो हो गया, 15 किलो। इसको बेचना है कितना परसेंट पे, इसको बेचना है 20% के लाभ पे, यानी 120/20% का लाभ, यानी 6/5 ये कट रहा है 3 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6 2/5 अब इतना आ गया। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, 375 प्लस 1000 या फिर इसको 375 तो यहाँ आ रहा है, 75 चौका 300 प्लस 75 ठीक है, 75 को पहले 4 से गुना कीजिए, उसमें 1 से गुना कर जोड़ दीजिए, 75 चौका 300 प्लस 5 यानी 375 प्लस 1000 10 × 100 तो 1000 दिख रहा है, यानी कि 1375 बट्टा 2 बट्टा में 25 और 25 × 125 और 25 × 125 इससे ये कट गया, यानी कि 55 × 110 110 रुपये किलो उसको अगर बेचेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 20%। ये थोड़ा सा इजी रहा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, राकेश ने 35 किलोग्राम चावल 9.5 की दर से और 30 किलोग्राम चावल 10.5 की दर से खरीदा, दोनों मिला के बने मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेचे कि 35% का लाभ हो जाए। अब देखिए इसको 35 × 9.5 + 30 ×
तीस गुना 10.5, 10.5 इतना हो गया टोटल। और टोटल कितना किलो वेट हो गया, 35 किलो और 30 किलो यानी कि 65 किलो। इसको कितना में बेचना है, 35% लाभ पे बेचना है यानी कि 135% पे बेचना है। ये कटेगा 5 से, तो 5 से कटाएंगे तो 7×5=35 यानी कि 27 आएगा। 5×2=10, 5×7=35, 5×20=27/20 आ गया। ये कटेगा नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा ये। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैलकुलेट करके 35 को 9.5 से गुना कर लेते हैं। तो 35 को 9.5 से गुना करने के लिए क्या करते हैं, 35 को 10 से गुना कर लीजिए और उसमें से 35 का आधा माइनस कर लेते हैं। तो 35 को 10 से गुना करने पर कितना आएगा, 350। और 350 में से 17.5 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 35 का आधा कितना होता है, 17.5। तो 350 में से 17.5 माइनस हो जाएगा तो 332.5 आएगा प्लस। अब देखिए 30 को गुना करना 10.5 से, तो 30 को गुना कीजिए पहले 10 से, 30 दाएँ 300 और प्लस 30 का आधा यानी 315 यहाँ पे इतना गुने 27/65 65×20। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए क्या 332 और 315, तो 300 और 300 600 अब 32×15 कितना होता है, 32×15 = 47। तो 647.5 647.5×27/65×20। अब ये कटेगा, अब किससे कटेगा, तो 5×5=25 से कट जाएगा, 5×5=25 इसमें से कटा लेंगे। तो 25 से इसको हम डायरेक्ट कटाते हैं तो कितना लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा इतना में 25 से हम लोग कटाते हैं, तो 25 से कटाएंगे तो 13×4 आ जाएगा। और ये 25 से कटाएगा तो 25×50 और 14 147 यानी कि 25×5=125। अब कितना बचेगा, 22 225। अब 25×9 बट्टा 13×4। अब ये किसी से कटेगा क्या, ये जो है अब इतना आ गया, इसको गुना करना है कितना से, देखिए यहाँ पे 25.9 को ना आप 26 लिख लीजिए, 26 में तो एक ही पॉइंट कम है, है ना, एक ही पॉइंट ना कम है, 25.9 को आप 26 लिख लीजिए, एक पॉइंट कम है। चलिए तो 26×27/13×4 कर लेते हैं, तो 27/2 यानी कि 13.5 के आसपास आंसर, लेकिन आंसर भी तो एक्यूरेट है। चलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, फिर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा, हालांकि इसका इसको कटाने के बाद आपको 13.5 आ जाएगा, 13.5 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। ये भी उसी तरह से है, एक किस्म की शक्कर 3.20 रुपया प्रति किलोग्राम पर 20% की हानि पर और दूसरी किस्म की शक्कर 6 रुपया प्रति किलोग्राम पर 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाता है तो मिश्रण 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है, उसका हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। चलिए बहुत आसान है, चूँकि 3.20 रुपया जो है, 3.20 जो है ये क्या है, यह विक्रय मूल्य है। 320 जो है ना, ये 20% की हानि है यानी ये 80% का वैल्यू है, ये किसका है, 80% का वैल्यू है। तो 1% का वैल्यू 3.20/80 ये हो गया 1% का वैल्यू, और इसको 100% का वैल्यू के लिए 100 से गुना कर लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/4, 4×8=32, 8×5=40 यानी कि 4 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा,
₹4। अब दूसरे के में देखिए क्या करता है, दूसरे जो है ना ₹6 किलो में 20% लाभ पे, यानी छः जो है ना वो 20% का प्रॉफिट है, यानी 6/120 है और गुना 100, तो 6 से 6 कट जाएगा यानी 5 बचेगा, इससे ये कट जाएगा 6 × 12 = 2 यानी कि ₹5, यानी कि ₹4 किलो ये पहला टाइप का शक्कर है, ₹5 किलो दूसरे टाइप का शक्कर है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5×4 = 9, यानी कि आप मान लीजिए एक समान मात्रा मिलन है, तो 1 किलोग्राम शक्कर इसमें से खरीदे और 1 किलोग्राम इसमें से खरीदे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो यानी कि ₹9 में आप 2 किलोग्राम खरीद रहे हैं, तो 1 किलोग्राम का कीमत कितना होगा, 4.5 रुपया, और 1 किलोग्राम को कितना में बेच रहे हैं, 5.4 में बेच रहे हैं, 5.4 में बेच रहे हैं, यानी कि 4.5 रुपया में खरीद के उसको 5.4 में बेच रहे हैं, यानी कि 45 रुपया में खरीद के उसको 54 रुपया में बेच रहे हैं, क्योंकि दशमलव सेम अंक के बाद है तो उसको आप 45 भी बोल सकते हैं, तो 45 रुपया में खरीद के और 54 रुपया में बेच रहे हैं, तो 9 रुपये का फायदा है, 9 रुपये का फायदा है कितना में, 45 रुपया में, इसका परसेंट निकाल लेते हैं, यानी कि आपका 20% हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, 5 किलोग्राम चाय और 8 किलोग्राम चीनी चाहिए, दोनों को मिला के दाम 172 है, चाय के दाम 20% बढ़ गए और चीनी के दाम 10% बढ़ गए, तो उतनी ही चाय उतनी ही चीनी खरीदने पर अब 199.20 रुपये देने पड़ रहे हैं, चाय का प्रति किलोग्राम दाम बढ़ने से पूर्व वाला भाव बताइए, यानी पहले इसका कितना कीमत था वो हमें बताना है, तो मान लीजिए पहले कीमत था ₹100 किलो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 5 किलोग्राम चाय यानी कि 5x अब प्लस है, 8 किलोग्राम चीनी यानी कि 8y और दोनों का वैल्यू कितना है, ₹172। अब देखिए दूसरा किस्म का जो क्या है, चाय जो है ना चाय का कीमत क्या हो गया, 20% बढ़ गया, रेट जो है ना 20% बढ़ जाता है, 5x पहले है, अब उसका क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया समीकरण एक। अब देखिए 5x है ना चाय का कीमत, इसका रेट क्या हो, 20% बढ़ जाता है, तो यानी 120% मतलब 6/5 इससे कट गया, यानी कि 6x और प्लस, अब चीनी का रेट क्या है, 8y पहले से है, 8y का चीनी का रेट क्या होता है, 10% बढ़ जाता है, यानी 11/10 बोले तो 11 × 88 यानी कि 11 × 88 यानी 8.8y 8.8y तो कुल मिला क्या आ रहा है, 6x प्लस 8.8y, ठीक है, तो 6x प्लस 8.8y बराबर ये दोनों मिला के कितना रुपया हो रहा है, 199.20 हो रहा है, और हमारा पहला समीकरण क्या है, 5x प्लस 8y। चलिए समीकरण को दशमलव में नहीं रखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको 10 से गुना कर लेते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा, 60x प्लस 88y बराबर 1992 चलेगा इतना, इसको 10 से गुना कर ले सब में। अब देखिए ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, और पहला समीकरण हमारा ये है, तो इसको हम यहाँ पे ला लेते हैं, 60x प्लस 88y बराबर 1992। हमें देखिए x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि चाय का कीमत हम x माने हैं, तो हमें x का कीमत चाहिए, तो y वाला को कटाना पड़ेगा, y को कटाने के लिए 8 को 11 से गुना करना पड़ेगा, तो ये सब में आप 11 से गुना कीजिए, ये सब में, तो 11 × 55x प्लस 88y बराबर 175 को 11 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 11 × 2 = 22, 11 × 77 = 79, 11 × 11 = 7, 1892 आएगा, और माइनस करना कितना, 60x प्लस 88y बराबर 1992, इससे ये कट जाएगा माइनस माइनस माइनस, यानी कि -5x बराबर -100 यानी x बराबर 20, तो कितना रुपये किलो हो जाएगा, 20 रुपये किलो हो जाएगा, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, 144.90 पैसे के रेट से खरीदता है, यानी CP क्या हो जाएगा, 144 गुना
90, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 3 39 और 9 एकम 9 3 12 इतना बट्टा में अगर 100 करेंगे तो कितना आएगा 129। ये क्या होगा क्रय मूल्य, बेचेगा कितना, अब 144 अंडे खरीद के ला रहा था और रास्ते में 20 अंडा टूट गया तो बचा कितना 124 अंडा, तो एसपी क्या हो जाएगा 124 अगुना किस रेट पे बेचता है, 1.2 के रेट से बेचता है, 1.2 के रेट से बेचता है, 12 चौक 48 और 12 144 144 4 148 148.8 129 में खरीद के 144 148 में बेच देता है, यानी प्रॉफिट ही होगा। अब इसमें से इसको घटाइए, तो अगर दशमलव को हटा दिया जाए तो क्या होगा, 1488 में से 1296 माइनस कीजिए, ठीक है, 1488 में से 1296 माइनस हो जाएगा, 1488 में से 1296 माइनस कर लिए, बट्टा में 1296 क्योंकि क्रय मूल्य वही है, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, 8 में से 6 गया 2 और 18 में से 9 गया 9 13 में से 12 गया 1 192 गुना 100 बट्टा में 1296। हम यहाँ पे क्या किए हैं, डायरेक्टली में तो कटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो हम इसमें शॉर्टकट करने के लिए क्या किए, इसको हम इसको क्या किए हैं, हम इसको ऐसा किए हैं कि 192 को रहने देते हैं ऊपर में, 192 बट्टा यहाँ पे 1296 है ना, अगर 100 इसको कटाएंगे तो 12.96 आ जाएगा, 12.96 आ जाएगा, और ये 13 के बहुत ज़्यादा करीब है तो इसलिए हम आगे 192 बट्टा 13 लिख लिए हैं। अब देखिए 13 एकम 13 और कितना बचेगा, 13 6 62 13 6 52 और 13 8 104 13 7 104 यानी 14.8 के करीब हमें आंसर मिल रही है, 14.8 के करीब हमारा आंसर मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो आपको इतना भी आपको करना पड़ सकता है क्वेश्चन को बनाते समय, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही कि आप किसी भी तरह से बनाइए क्वेश्चन को, आंसर तक पहुंचाइए। अब चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल है, अब उतना कैलकुलेटर लेकर के कोई बैठ नहीं रहा है, और टाइम को बचाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ से यहाँ पे 1600 अंडे को 3.75 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। अब देखिए 1600 अंडा है और 3 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, तो एक दर्जन में कितना अंडा होता है, 12 अंडा होता है, तो 1600 में कितना दर्जन, 1600 बट्टा 12 और रेट क्या है, 3.75 रुपया, तो 3.75 लिखते हैं इसको, ठीक है, खरीदता है। अब इसका वैल्यू निकालिए कितना होगा, अब इसको कटाएंगे तो इसको 375/100 लिख लेते हैं, इसको दशमलव हटा करके बट्टा में लिख देते हैं 100, 0 से 0 कट जाएगा और 3 चौका 12 और 3 से 3 एकम 3 125 4 से 4 125 × 4 यानी कि 500 रुपया, 500 रुपया क्या हो गया, सीपी हो गया, यानी 500 रुपया में हम खरीद के लाए हैं और बेचते कितना में है, 1600 अंडा में से 900 अंडा को, ये सीपी हो गया ना, 900 अंडा को 1 रुपया में 2 गो बेच देते हैं, 1 रुपया में 2 गो बेच देते हैं, कितना हो गया 450 रुपया, 450 रुपया अब प्लस 900 अंडा को एक साथ 900 अंडा को 1 रुपया में 2 गो बेचते हैं यानी कि 50 पैसा, तो 900 अंडा के लिए 450 रुपया तो हम यहाँ पे ला चुके हैं। अब जो है बच गया जो 600 अंडा है उसको बेचते हैं 2 रुपया में 5 गो बेचते हैं, अब बच गया 600 अंडा को 2 रुपया में 5 पीस बेचते हैं, तो 2/5 5 से 120 यानी कि कितना 12 5 60 120 ठीक है 12 2 240
450 और 240 कितना होगा, 450 240, 450 और 240 690, यानी कि 500 में खरीद के 690 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, 190 रुपये का प्रॉफिट है 500 में। इसका परसेंट निकालते हैं, 20 से 20 ख़त्म हो गया, 5 से 5 या 15 मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 700 अंडा होगा ना, 1600 अंडा में 900 को बेचे तो बचा कितना, 700 अंडा, 700 अंडा को 2 रुपया में 5 के रेट से बेचते हैं, 2 रुपया में 5 के रेट से बेचते हैं, 5 से 14 पचास 70, 14 दुना 28, 280, तो 450 प्लस 280 कुल मिला करके 0, 8, 5, 13 और 4, 2, 6, 7, 730 रुपया, यानी कि 500 में खरीद के 730 में बेच रहे हैं, 230 रुपये का प्रॉफिट है 500 में। इसका परसेंट निकालिए, 5 से कटेगा, 5 × 20, 5 × 30, यानी कि 46% आपका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या होता है, राम के पास 10,000 लागत का मकान है, उसे श्याम को 10% लाभ पर बेच दिया, और श्याम ने उसको पुनः उसको राम को बेच दिया, तो बताइए इसमें बिजनेस में क्या लाभ हुआ। इस क्वेश्चन को दो पार्ट में आपको बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट बनेगा तो समझ में नहीं आएगा, आंसर मतलब कि कन्फ्यूज हो जाएगा। राम के पास 10,000 लागत का मकान है, 10,000 लागत का मकान है राम के पास, उसने श्याम को 10% के लाभ पर बेच दिया है, और अंतिम में क्या पूछ रहा है, राम को कितना लाभ हुआ है, तो राम को 10% का लाभ हुआ है, यानी कि 1,000 रुपये का लाभ हुआ है राम को, 1,000 रुपये का लाभ राम को यहाँ पे हो गया है। अब देखिए, अब श्याम ने उसको कितना में खरीदा, 10,000 का 110% पे, ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, यानी कि 10,000 का मकान है, उसको श्याम को 10% के लाभ पे बेच दिया, तो श्याम उसको कितना में खरीदा हुआ, 110% पे, यानी कि 10,000 का मकान उसको 11,000 पे खरीदा है, 11,000 में खरीदा श्याम, यानी यहाँ पे राम को 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, राम को 1,000 रुपये का प्रॉफिट। अब देखिए, श्याम ने उसको 10% के हानि पे दोबारा से उसको राम को ही बेच दिया है, तो इतना का 10% का हानि, यानी कि 90% 11,999,99,100 में। अब देखिए, मकान का एक्चुअल कीमत कितना है, 10,000 रुपया। अब मान लीजिए कि 10,000 कीमत का चीज़ हम खरीद रहे हैं 99,100 में, मान लीजिए दो दुकान है, 10,000 का कीमत का चीज़ हम खरीद रहे हैं 99,100 में, मान लीजिए आप 10,000 का कोई टीवी सेट खरीदने जाते हैं मार्केट में, आपको घर से मिला है 10,000 रुपया, आप 99,100 में टीवी खरीदें, आपके पास कितना रुपया बचेगा, 100 रुपया बचेगा, यानी कि 100 रुपये का लाभ यहाँ पे उसको बचेगा, यानी कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट तो वो बेचने में कमाया, और ख़रीदने में वो 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, टोटल मिला के 1,100 रुपये का कुल प्रॉफिट हो गया, किसको, राम को, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है, राम ने अपना 10,00,000 का मकान श्याम को 10% हानि पर बेच दिया, और श्याम ने, सामने नहीं, ये क्या है, श्याम ने उसे वापस राम को 10% लाभ पर बेच दिया। इस लेन देन में राम को ना तो लाभ हुआ, राम को 90,000 की हानि हुई, राम को 20,000 की हानि हुई, श्याम को 1,10,000 का लाभ हुआ। चलिए इस बिजनेस में देखते क्या होता है। सबसे पहले 10,00,000 का मकान है, श्याम को 10,00,000, 10 पे 5 0, 10,00,000 का मकान 10% हानि पे बेच रहा है, यानी कि 90% पे बेच रहा है, 10,00,000 का मकान कितना बेच रहा है, 9,00,000 में, श्याम के पास 10,00,000 का मकान, राम के पास था 10,00,000 का मकान, उसने श्याम को उसको कितना में बेचा, 9,00,000 में, 10,00,000 का चीज़ हम बेच रहे हैं 9,00,000 में, कितना का नुकसान हुआ, 1,00,000 का नुकसान हुआ पहला बिजनेस में, यानी कि राम को 1,00,000 का, 1,00,000 का निगेटिव यानी नुकसान हुआ है। अब देखिए, ये 9,00,000 के मकान जो है ना, 9,00,000 का मकान है, श्याम ने 9,00,000 में खरीदा और उसने राम को ही दोबारा 10% के लाभ पे बेच दिया, यानी इतना का 110% पे बेच दिया है,
2020 से 2021 ग्यारह नवा 99 990,000 यानी कि 990,000 में ख़रीदा। अब देखिए हम दोबारा से उसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं, 10 लाख का चीज़ हम ख़रीद रहे हैं 990,000 में, 10 लाख का चीज़ हम ख़रीद रहे हैं 990,000 में, हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? 10 लाख का चीज़ 990,000 मिल रहा है, यानी कि 10,000 का हमको फ़ायदा हो रहा है, 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। पहला बिजनेस में हम 1 लाख रुपये नुकसान कर चुके हैं, पहले टाइप के बिजनेस में हम 1 लाख का नुकसान कर चुके हैं, और दूसरे बिजनेस में हम 10,000 रुपये का फ़ायदा किए हैं अपने आप को। तो टोटल आपका नुकसान कितना होगा? 1 लाख में से 10,000 घट जाएगा, यानी कि 1 लाख है माइनस में और 10,000 है आपका प्लस में, यानी कि कुल मिला के 90,000 का आपको निगेटिव है, लॉस है, 90,000 का लॉस है किसको? राम को, राम को 90,000 की हानि हुई। क्वेश्चन समझने वाली चीज़ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। ए ने साइकिल बी को, ए बी सी आ गया, ए ने बी को और बी ने सी को 25% लाभ पे बेच दिया। यदि सी ने 1500 रुपया दिया है, सी कितना दिया है 1500 में, ये 1500 जो है कितना परसेंट का वैल्यू है? सी जो है, सी को 25% लाभ पे बेचा गया, यानी 1500 जो है ना वो 125% के बराबर है। तो इसको रिवर्स करते हैं दोबारा से, देखिए इसको देखिए दो तरीका से बन सकता है। चलिए पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए चीज़ का कीमत कितना है ₹1, एक्स का 20% लाभ यानी कि 120% यानी कि 6/5, फिर से इसको 25% लाभ यानी कि 125% यानी कि 5/4, और इसका कुल वैल्यूएशन कितना 1500 रुपया। ये आपका हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आपका क्या रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4 2 3 6, 3 से 3 3 5 15, 500 2 1000 यानी कि 1000 रुपया में वो ख़रीदा होगा कौन, ए। अब देखिए दूसरा तरीका आपका क्या रहेगा, 1500 में बेचा है, ये कितना परसेंट है, 25% लाभ है ना, वो है 125%, और ये फिर से कितना है, ये फिर से है कितना परसेंट, दोबारा से 120% है, इसको कटाइए, अब ये कटेगा तो 25 चौका और 25 पंच, अब ये कटेगा तो 20 छका और सॉरी 20 पंच और 20 छका, 5 से 5 कट गया, 6 से कटेगा तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 250 × 4 यानी कि 1000। आपको जो तरीका पसंद आए वो तरीका से बना लीजिए, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको पहला तरीका थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन दूसरा तरीका में रिवर्स इंजीनियरिंग है, मतलब दोबारा से 1500 को ही रिवर्स करके 1000 तक पहुंचा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न में देखते हैं। इसमें देख, चलिए पहला तरीका अपनाते हैं। पहला तरीका, बी ए ने घड़ी बी को 20% लाभ पर बेचा, एक्स का 120%, बी ने इसको 10% हानि पे 90% में, किसी को बेच दिया, इस घड़ी को 216 में ख़रीदा गया था। चलिए इसको इसी तरह से बना लेते हैं, 20 से 20 ख़त्म हो गया, 12 नवा 108 दूना 200, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 200 आ गया, उसको कितना में ख़रीदा था 200 में ख़रीदा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसको बढ़ाने का पहला तरीका क्या है, मान लीजिए इसका कीमत है एक्स है, एक्स का 5% लाभ यानी कि 105%, फिर से 5% हानि यानी 95%, सी ने इसको 23 रुपये 94 पैसा
24 रुपया इसको 2394/100 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक वो तो 100 से 100 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 19। अब ये किसी से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से 5 चौका 20, 5 से 21 पंचा, तो x बराबर 2394 गुने 4 बट्टा 21 गुने 19। यहाँ पे आंसर आएगा बिल्कुल पॉइंट में। उन्नीस से अगर कटाएंगे इसको तो 19 से कम 19 बच गया कितना 4 49 19 2 8 38, उसके बाद 11 114 119 6 114 126 आ गया। ये कट गया तो 126 बार में 19 से कट गया तो 126 गुना 4 बट्टा 21। अब 20 6 20 21 6 21 6 बार में 6 24 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 24 आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ने एक रेडियो खरीदा, कितना में खरीदा, 100 रुपये में। इसकी मरम्मत पे 110 रुपये खर्चा किया, अब ये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, एक्स प्लस 110 रुपया। इतना को ए ने या बी को 20% लाभ पे, 20% लाभ यानी कि 6/5 पे, और 10% हानि यानी कि 9/10 पे, तो सी ने से 10% लाभ पे यानी 11/10 पे कितना में बेचा, 1188 में। चलिए 11 से 11 और 11 8 88। अब नछा 54 2 9 108, नछा 54 2 9 108। अब देखिए इसको 10 10 100 5 500 5 2 1000, तो x प्लस 110 = 1000, x बराबर 1000 माइनस 110 यानी कि 890 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक निर्माता को 10% थोक डीलर को 15% खुदरा विक्रेता 25% लाभ होता है, तो किसी वस्तु का खुदरा मूल्य 265 रहने पर उसका उत्पादन मूल्य कितना है। मान लीजिए उत्पादन मूल्य है 100 रुपया, एक्स का 10% थोड़ी मतलब सब प्रॉफिट है, 11/10 23/20 गुने 25% लाभ यानी कि 5/4 = 265 है, कितना है 265 है, कितना से कटेगा ये, चलिए 5 से तो कट जाएगा, तेईसे कम 23 23 23 35, नहीं कटेगा। दो सौ 65 ही ना, डेटा हम चेंज कर लेते हैं। देखिए इसका डेटा क्या है, यहाँ पे क्या है, ये 1265, ये मिस्टेक है इसमें, आप लोग मास्टर नोट्स में इसको 1265 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 1265, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए अब इसको बताइए 11 से 11 के में 11
उसके बाद 16, 11 में 11, 11 5 55, इतना आ गया। अब 23 5 115 होता ही है, ये सब खत्म हो गया। अब x का वैल्यू कितना, 20 84, यानी 800 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए। ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 में बेचा, बी ने 6% लाभ पर 470 में बेचा, तो किसे अधिक लाभ हुआ। ए ने 5% लाभ पे 420 में बेचा है, 420 जो है ना 5% प्रॉफिट में है, यानी 105% का वैल्यू इतना है इसका आंसर। नहीं, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 105 चौका, यानी कि 400 रुपया, यानी 400 की चीज़ को 420 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितना है, 20 रुपये का प्रॉफिट है। एक दूसरे बिजनेस में 477 में बिक रहा है वो, और 6% के लाभ पे बिक रहा है, यानी कि 106% का वैल्यू ये है। अब ये कितना से कटेगा, प्लीज 2 से कटाइए 50 तो 53, और ये कटेगा 9 से गुना करना है, 9 9 5 45 450, यानी कि 450 में खरीद के बेचे 470 में, इस बिजनेस में इसको 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें फ़ायदा होगा बी को, और इससे कितना रुपया ज़्यादा है, बी से कितना रुपया ज़्यादा है, 7 रुपये ज़्यादा है, तो बी को 7 रुपये का ज़्यादा फायदा है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे टाइप हो रहा है चेंज, और आपको यहाँ पे संतरा मतलब 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत बताइए। इस सब को बनाना बहुत आसान है, आपको जो तरीका बता रहे हैं वो मतलब पूरा YouTube हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आसान है। बस आंसर देखिए और आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर मार दीजिए। इस क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 से टाइप आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, और इस टाइप का तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बेहद कॉमन है, इस तरह क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो 9 में खरीद के 12 में बेच दिया, 33.3% का लाभ होगा। आप इतना बस 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, बस वो तरीका जान जाइए जो हम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं बेसिक तरीका, 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लीजिए क्या, हमेशा आप मान लीजिए क्रय मूल्य एक्स है, सीपी बराबर एक्स है, और एसपी बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लीजिए 1 संतरे का जो क्रय मूल्य है वो एक्स रुपया, तो 12 संतरों का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 12 एक्स रुपया, और 12 एक्स में 9 से भाग दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 संतरे का। हमेशा आप क्या निकालिए, 1 संतरे का, 1 यूनिट का हमेशा निकालिए, चाहे 1 यूनिट पे जितना लाभ या हानि होगा उतना ही 9 होगा या 12 होगा या कुछ ना हो, तो आपको हमेशा 1 यूनिट मानना है। आप मान लीजिए 1 संतरे का क्रय मूल्य एक्स रुपया, तो 12 संतरों का क्रय मूल्य कितना होगा, 12 एक्स रुपया, और 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर मतलब 9 संतरों का विक्रय मूल्य है। तो इसी हिसाब से तो 12 एक्स बट्टा 9 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। अब क्या करते हैं, दोनों में 9 से आप गुना कर दीजिए, बट्टा वाला को हम मतलब बट्टा को हटाने के लिए दोनों तरफ 9 से गुना कर लीजिए, गुना 9 कर लिए, दुगुना 9 कर लिए, यानी कि 9x और यहाँ पे 12x, यानी कि CP क्रय मूल्य है 9x, अब विक्रय मूल्य है 12x, 9 में खरीद के 12 में बेच दिए, 9 में खरीद के 12 में बेच दिए, यही ना, 9 में खरीद के 12 में बेच दिए, कितना प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का, 3 बट्टा 9 गुने 100, यानी कि 33.1/3 पड़ते हैं। अब देखिए, आप एक छोटा सा बात पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर में बोल रहा है 9 संतरों का विक्रय मूल्य, यह है ना विक्रय मूल्य, और 12 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक है। तो जहाँ ये बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को चेंज कीजिए, विक्रय को क्रय बना दीजिए, क्रय को विक्रय बना दीजिए। जैसे बोल रहा है 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप अपने आप में क्या सोचिए, 9 में खरीद कर, विक्रय मतलब बेचना, तो बेचना को उल्टा कर दीजिए खरीदना, तो आप ये सोचिए कि 9 में खरीदा 12 में बेचा, बस 9 में खरीदा 12 में बेचा,
बस इसी से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 9 रुपये में खरीद के 12 रुपये में बेच दिया, 3 रुपये का फायदा हुआ 9 में, 3/9 × 100, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। पहले तो सभी क्वेश्चन को जो बेसिक तरीका है, माना कि एक संतरे का मूल्य ₹100 और इस हिसाब से जितना दे 400 कलम में से 320 को बेचने से 400 कलम में से 320 को बेचने पर राज ने पाया उसे 400 कलमों की कुल लागत प्राप्त हो गई है। अब देखिए 400 कलम हमारे पास है और 400 में से 320 को हम बेच दिए, 320 को हम बेच दिए, तो यानी बेच दिए, तो 320 को बेचने पर 400 कलम का क्रय मूल्य हमको मिल गया, यानी कि 400 कलम का क्रय मूल्य 400x और 320 कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, मतलब 400x ही हो गया, 400x/320, तो एक कलम का कितना हो जाएगा ₹100। x में खरीद के 400/320 पे उसको बेचा जाता है। इसको ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए कि 400 कलम में से 320 को बेच दिए। आप मान लिया आप कोई बिजनेस करते हैं, 400 कलम आपके पास था, 400 कलम में से था 320 को आप बेच दिए, 320 को बेच दिए तो आपका पूंजी निकल गया, मतलब आपने जितना में खरीदा था 400 कलम वो आपका पूंजी निकल गया। आपके पास कितना बचा हुआ है, आपके पास बचा हुआ है 400 में से 320 माइनस, तो यानी कि 80 कलम जो आपके पास बचा हुआ क्या है, प्रॉफिट है। तो 80 का प्रॉफिट होता है 320 बेचने पर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 8×32 यानी कि 25%। बस ये सब कुछ भाषा है और कुछ नहीं, 80 बेचते हैं 80 का प्रॉफिट है 320 बेचने पे, 80 का प्रॉफिट है 320 बेचने पे, तो 80 प्रॉफिट, 320 क्रय मूल्य और 100% हो गया, तो यानी 8×32 यानी 25%। उसी तरह से अगला देखिए क्वेश्चन, बीस चाकू का विक्रय मूल्य 25 चाकू क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको हम क्या बोले, सिंपल रहे तो क्रय मूल्य को माना बना दीजिए विक्रय मूल्य, यानी कि ये विक्रय है ना, तो 20 में खरीद कर 25 में बेच दिया, 20 में खरीद कर 25 में बेच दिया, तो 5 का फायदा हो गया 20 में खरीद के 25 में बेच दिया, 25% आपका आंसर। बस कुछ नहीं, बस दोनों को उल्टा कर दीजिए, वस्तु जो है कीमत में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए सुभी ने 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य के क्रय मूल्य पर बेचा तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचा, तो यानी कि 20 में खरीद कर, एक मिनट, सुभी ने 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचा, तो यानी कि 16 वस्तु बेचने पर 20 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर मिल जाती है, यानी कि 16 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के बराबर लाभ होती है, यानी 4 लाभ होती है 16 बेचने पर, 4 रुपया लाभ होती है 16 बेचने, 4 वस्तु लाभ में आती है 16 बेचने पर। देखिए 20 वस्तु क्रय मूल्य है ना, 20 वस्तु आपने खरीदा है, 16 बेच दिए तो आपके पास 20 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर निकल गया, तो बचा कितना, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 16 वस्तु के, मतलब कि 4 बेचने पर 16 बेचने पर 4 का फायदा है, 4/16 × 100, बस यही करना है। इसमें देखिए 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें वही उल्टा करना है, क्रय मूल्य को बोल दीजिए विक्रय, मैं 15 में बेच रहा है 20 में खरीद रहा है, और देखिए 15 में बेच रहा है 20 में खरीद रहा है, यानी 20 में खरीद कर 15 में बेच रहा है, 20 में खरीद कर 15 में बेच रहा है, लॉस होगा, 5 का लॉस होगा, कितना में, 20 में खरीद के 15 में बेच रहा है, 5 लॉस है 20 में गुना 100, आपको लॉ, बस आप इसको भाषा में बदल लीजिए, यानी क्रय मूल्य को बना दीजिए विक्रय मूल्य, ये मान लीजिए विक्रय मूल्य है और ये बन जाए रुपया में, तो 15 में बेच कर 20 में, 15 में बेचा 20 में खरीदा, यानी 5 का लॉस है। आगे देखिए यदि 12 मेज का क्रय मूल्य 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए,
क्रैमूल है ना, इसको बोले विक्रैमूल। 12 में बेचा, 16 में खरीदा, 16 में खरीद के 12 में बेचा, 16 में खरीद के 12 में बेचा। तो 4 का नुकसान है, 16 में इसका प्रतिशत निकालिए। 4 में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनता है ये सब क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए 36 वस्तु का क्रैमूल, क्रैमूल को बोले बेचा है, 36 रुपया में बेचा है, 36 में बेचा, 48 में खरीदा, 48 में खरीद के 36 में बेच रहा है, तो नुकसान होगा ना, 12 का नुकसान है 48 में गुना 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, सौदे में लाभ कितना है, 11 लाभ है 33 बेचने पे, 11 लाभ है 33 बेचने पे, यानी 33 पूर्णांक समथिंग आपका आएगा आंसर, 11 लाभ है 33 बेचने पे। एक मिनट, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, नहीं, यानी कि 33 में 11 का फायदा है, 33 में बेच रहा है ना, तो इसका मतलब खरीदा कितना में होगा, 22 में, 11/22 आएगा यहाँ पे। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, यानी आप 33 रुपये में जितना भी चीज़ बेचे हैं उसमें से आपका 11 आपका प्रॉफिट है, 33 बेच रहे हैं 11 आपका प्रॉफिट है, 33 में से 11 आपका प्रॉफिट है, तो 11 आपका प्रॉफिट है, तो इसका अपने कितना में खरीदा होगा, 22 में, 22 विक्रय जो है वो खरीद के बराबर है, यानी कि 50% आपका प्रॉफिट है। आगे देखिए 100 पेंसिल बेचते हुए एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के का लाभ होता है, 100 पेंसिल बेचने पर 20 का विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखिए 20 लाभ है, 100 में से 20 लाभ है, तो खरीद का इतना है 80 गुना 100, यानी कि 25% आपका क्या है, प्रॉफिट है। आगे देखिए 45 कलम को बेचने पर, 45 कलमों को बेचने पर 45 कलमों के और 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो 45 बेच रहे हैं और 5 हानि है, 45 में बेच रहे हैं 5 हानि है, इसका मतलब खरीदे कितना में थे, 5 हानि है 45 में बेचने पर, यानी कि 50 में खरीदा होगा, यानी उसका जो हानि कितना है, 10% का। बस भाषा से बनाइए सब क्वेश्चन को। 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 4 हानि है 36 में बेचने, 36 बेचने पर 4 हानि है, यानी कि 4/40 हो जाएगा गुना 100, यानी कि 10%। अब देखिए इसको कैसे बनाए, 11 सेब 10 में खरीदा, 10 सेब 11 में बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमें बस इस क्वेश्चन में हमें बस करना क्या है, आपको हमेशा एक सेब का क्रय मूल्य और एक सेब का विक्रय मूल्य निकालना है, खरीदा कितना में है, सीपी कितना में, 10 11 सेब 10 में खरीदा, 10 रुपया में 11 सेब, ये हो गया सीपी। एसपी कितना हो गया, रुपया को हमेशा ऊपर में लिखें, 10 सेब 11 में बेचा, 11 में बेचा 10 सेब। इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, 11 नीचे में जो रहेगा उसका एलसीएम ले लेते हैं, 11 10 का एलसीएम कितना होगा, 110, 110 से गुना कीजिए दोनों में, 110 से गुना कर लीजिए बराबर, 11 दहाएँ यानी 100, 100 में खरीदा और 121 में बेचा, सीपी कितना है 100 रुपया, एसपी कितना है 121 रुपया, 100 में खरीद के 121 में बेच रहे हैं, कितना लाभ है, 21% का लाभ है। अब इससे ज़्यादा आसान क्या बनेगा आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। एक व्यक्ति 10 रुपये के 12 की दर से पेंसिल खरीदता है, इसे 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है, 10 रुपये में 12 खरीदा
और 12 में 10 बेचा, 12 में 10 बेचा, 12 10 कैल्शियम कितना होगा, 12 10 कैल्शियम, 12 और 10 कैल्शियम कितना होगा, 60 होगा, 60 से दोनों में गुना कर लीजिए, 12 5 यानी 50 में खरीदा और 10 6 60, 12 6 72 में बेचा, 50 में खरीदा 72 में बेचा, इसको हम क्या करते हैं 100 बना लेते हैं, 12 10 यानी कि 12 दाएँ 120 कर लेते हैं, या फिर ऐसा करिए इसका एलसीएम, इसका जो नीचे में है ना उसको इसमें गुना कर लीजिए और इसका जो नीचे में उसको इसमें गुना कर लीजिए, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं, 120 होगा, इसमें होगा 120, 12 दाएँ 120 यानी 100 में खरीदा, इससे कट गया 12 144, यानी 100 में खरीदा 144 में बेचा, तो कितना फायदा हुआ 44% का, बीस नारंगी 25 में बेचकर रुपया हमेशा ऊपर लिखेगा, 20 में बेच रहा है 25 नारंगी, ठीक है, इसको क्या करिएगा, इसको गुना कीजिए, 25 और 20 का एलसीएम कितना 100 होगा, तो 100 से दोनों में गुना कर लीजिए, 100 से दोनों में गुना कर लीजिए, 25 चौका और 20 पंचे 125 और 20 चौका 80, यानी 125 में खरीद कर 80 में बेच रहा है, 125 में खरीद कर 80 में बेच रहा है, तो लॉस होगा, कितना लॉस होगा, 45 रुपये का 45 लॉस है 125 में, इसका परसेंट 25 पंचे 25 चौका 4 नमा 9 चौक 36, 36% का क्या है लॉस है, ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, हालांकि 25/20 का भी निकाल के बनाया जा सकता है, या फिर इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे कट रहा था तो कटा भी सकते थे, 20 नारंगी 25 में खरीद रहा है बराबर 4/5, 25 नारंगी 20 में बेच रहा है, उल्टा हो गया सर, 25 में खरीद रहा है 20 नारंगी यानी कि 5/4 और 20 में बेच रहा है 25 नारंगी 4/5, अब देखिए 5 को 20 से दोनों में गुना कर लीजिए, गुना 20, 4 5 20 यानी 25 में खरीद रहा है और 16 में बेच रहा है, 25 में खरीद के 16 में बेच रहा है, यानी कि 9 रुपये का नुकसान कर रहा है 25 रुपये में, गुना 100 तो 9 चौक 36, 36% का क्या होगा लॉस होगा, 25 में खरीद के 16 में बेच रहा है, एक में दो खरीदता है और 3 में 5 बेचता है, 3 में 5 बेचता है, 5 × 10 से दोनों में गुना कर लीजिए, 5 में खरीद के 6 में बेच रहा है, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, यानी कि 20% का क्या है प्रॉफिट है, आगे देखिए 2 के 3 के हिसाब से, 2 के 3 के हिसाब से खरीदेगा, 3 के 2 के 2 रुपया में 3 खरीदा और 3 रुपया में 2 बेचा, 3 × 6 से गुना कीजिए, गुना 6 × 12 3 × 6 यानी 4 में खरीदा 9 में बेचा 5 का प्रॉफिट है 4 रुपया में, इसका परसेंट यानी कि 125% का क्या है प्रॉफिट है, आगे देखिए 1 फल विक्रेता 5 के 3 के 5 रुपये में 3 के दर से 5 में
पाँच में तीन खरीदता है, चार में दो बेच, चार के दो बेचता है, चार में दो बेचता है, तीन दोना छः से गुना कीजिए दोनों में, तो दो तिया छः, चार तिया बारह, तीन दोना छः, पाँच दोना दस, दस में खरीद के बारह में बेचता है, दो रुपये का प्रॉफिट है दस में, यानी दो पचे दस, यानी बीस पंचे एक सौ, बीस आपका हो जाएगा आंसर, दो बट्टा दस गुने एक सौ। एक व्यक्ति ने सात रुपये में आठ वस्तुएं खरीदी, खरीदी को हमेशा ऊपर में लिखे, सात बट्टा आठ में खरीद रहा है, पाँच में छः बेच रहा है, पाँच रुपये में छः बेच रहा है, आठ छः अड़तालीस से गुना कीजिए दोनों में ऊपर नीचे, छः अठ अड़तालीस, आठ पंच है चालीस, आठ छः अड़तालीस, सात आठ है आठ, छः अड़तालीस, सात छः बयालीस, देखिए बयालीस में खरीद के चालीस में बेच रहा है, दो रुपये का लॉस है बयालीस में, गुने एक सौ, दो से इक्कीस बार में एक, यानी कि चार पूर्णांक इक्कीस छक चौरासी। अब देखिए दो से इक्कीस बार में दो से कटेगा इक्कीस बार में, और इक्कीस चौका चौरासी, सोलह बट्टा इक्कीस, इतना क्या है लॉस है, नेगेटिव मतलब लॉस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या होता है, पाँच में आठ खरीदता है, पाँच रुपये में आठ खरीदता है, आठ में बारह बेचता है, आठ में बारह बेचता है, बारह अठे छियानवे से गुना कीजिए, या फिर अगर आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और है कि बारह को पाँच से गुना कीजिए, बारह पंचे साठ, और आठ को आठ से गुना कीजिए चौंसठ, यानी कि साठ में खरीद के चौंसठ में बेचता है, चार रुपये का प्रॉफिट है साठ में, गुना एक सौ, चार से पंद्रह चौका साठ, पाँच तीया पंद्रह, पाँच से बीस, बीस बट्टा तीन यानी छः पूर्णांक दो बट्टा तीन परसेंट का क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति 10 अंडे 15 की दर से, एक व्यक्ति 10 अंडे 15 की दर से खरीदता है, 10 अंडे 15 में, 15 में 10 अंडा, अब 20 16 में 20 अंडा बेच, 16 में 20 अंडा बेचता है, तो 20 को 15 से गुना कर लीजिए, 20 को 15 से 15 गुना 30, यानी 300 में खरीदा, और 10 को 16 से गुना कीजिए 160 में बेचा, 300 में खरीदा और 160 में बेचा, कितना लॉस है 140 रुपये का लॉस है, 300 में बड़ा गुना एक सौ, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तीन से, तो तीन से, तीन चौक बारह, तीन छः अठारह, छियालीस पूर्णांक छः छः, छियालीस दशमलव छः छः, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका जो हर है नीचे वाला है उसको इसमें गुना कर लिया, इसका हर से इसमें गुना कर लीजिए। अड़तीस, पाँच में दस अंडे बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, पाँच में कितने अंडे खरीदता था, पाँच रुपये में दस अंडे बेचकर 20% का लाभ है, पाँच रुपये में दस अंडा बेचता है, पाँच रुपये में दस अंडा बेच करके 20% का लाभ है, ये जो है ना पाँच रुपये में दस अंडा, तो 20% का ये क्या है प्रॉफिट है, 100 बट्टा 120, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि पाँच बट्टा बारह, इसका मतलब क्या हुआ पाँच बट्टा बारह, यानी कि पाँच रुपये में बारह अंडा वो खरीदता था, ऊपर में जो भी आएगा वो आएगा रुपया और नीचे में जो भी आएगा वो आएगा सामान, ठीक है, कितना पीस था, इसको एक बार फिर से समझिए, देखिए पाँच रुपया में दस अंडा बेचता है तो 20% का प्रॉफिट है, एक अंडा का जो कीमत है ये जो है वो किसी संख्या का 20% है, यानी ये जो वैल्यू है वो 20% लाभ के बराबर है ना, तो 20% लाभ मतलब 120%, ये जो है 120% के बराबर है, तो यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया, ऐसे समझिए 5 बट्टा 10 जो है ना वो मतलब कि 20% प्रॉफिट है, यानी 120 के बराबर है, तो 1% का वैल्यू
120, बट्टा में 120 कर लेते हैं, बट्टा में 120 कर लेते हैं, 1% का वैल्यू ये हो गया, तो 100% का वैल्यू, क्रय मूल्य तो 100% होती है गुना 100। अब इसको कीजिए 5/12 आ गया, जो ऊपर में रहेगा वो रहेगा वस्तु, सॉरी रुपया, ऊपर में रहेगा रुपया और नीचे में रहेगा वस्तु, ऊपर में रहेगा रुपया नीचे में रहेगा वस्तु। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, कैसे बनाते हैं इसको, 20 रुपये में 60 बेचने पर, 20 रुपये में 60 बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट है, इसको 100/20 कर लेते हैं क्रय मूल्य के लिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 12×6 = 72, 20/72। तो क्या बोल रहा है, 60 में कितनी वस्तुएं खरीदी, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 20/72 आ रहा है, क्या आ रहा है, 20/72, यानी 20 रुपये में 72 खरीद रहा है। क्या बोल रहा है, 60 रुपये में खरीदना है, तो 20 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से 20 = 60, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 7×21 = 216 हो जाएगा, यानी 216 वस्तु खरीदना पड़ेगा 60 रुपये में। एक मिनट, यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए, यहाँ पे रुपया 60 है ना, 20 वस्तुएं 60 में बेचने पर, 60 रुपया में 20 वस्तु बेच रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो गुना 100/120, 60 × 120 = 40, यानी कि चलिए 20×5 = 100, 5/2, 5 रुपया में 2 वस्तु खरीदा था, तो 60 रुपया में, तो 60 करने के लिए 5 में कितना 12 से गुना हो गया, तो 2 में भी 12 से गुना हो जाएगा, 12×2 = 24, 60/24, यानी कि 60 रुपया में 24 वस्तु वो खरीद पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फेरी वाला 1 रुपये में 5 नींबू बेच करके 40% का प्रॉफिट है, तो 100/140, यहाँ से हमको क्रय मूल्य निकल जाएगा 5 से 20 बार में 20×40, तो 20×40 यानी 1/7, तो 1 रुपये में 7 नींबू वो खरीदा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सब्जी विक्रेता 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदे, इस पर 60% लाभ कमाने के लिए वैसे किस दर पर बेचेगा, एक सब्जी विक्रेता 3 रुपये में 8 की दर से खरीदा, इस पर 60% इसको प्रॉफिट चाहिए, तो 160% इसका निकालते हैं, इससे ये कट गया, 8×2 = 16, 2×5 = 10, यानी कि 3 रुपये में 5 कमाने के लिए इसे किस दर पर बेचेगा, तो 3×5 बेचेगा, 3×5 बेचेगा या फिर 6×10 बेचेगा, एक व्यक्ति 1 रुपये में 7 की दर से खरीदता है 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो 140% 7×2 = 20, यानी 1/5, तो क्या बोले 1 रुपये में कितना बेचेगा, 1 रुपये में वो 5 बेचेगा। इस प्रश्न में क्या कहता है, यदि 5 नींबुओं का 16 में क्रय किया जाता है, मतलब कि 16 में 5 खरीदा है 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 125%, यानी कि 5/4 चाहिए, इसको 4×16 यानी कि 4/1, यानी कि 4 रुपया में वो 1 नींबू बेचेगा, नीचे में घुसे तो 1 तो है ही ना, तो वो 4 रुपया में 1 नींबू बेचेगा, नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 रुपया, 4 रुपया में 1 नींबू वो बेचेगा। चौवालीस, एक विक्रेता 1 रुपये में 6 की दर से टॉफी खरीदा, 1 में 6 खरीदा, 1 रुपये में कितनी बेचेगा कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट मतलब 6/5, यानी 1 रुपये में वो 5 बेचेगा, कितना बेचेगा, 1 रुपये में 5 बेचना पड़ेगा उसको। आगे देखिए,
एक रुपये में 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। एक में 12 बेचने पर 20% की हानि, ये जो है ना वैल्यू वो कितना है 80% के बराबर है। तो क्रय मूल्य के लिए इतना करना पड़ेगा, तो 5/4 यानी 5/48 ये वो क्रय मूल्य। तो क्या बोल रहा है, तो एक रुपये में कितनी बेचना चाहिए, अच्छा इसको चाहिए 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो इतना का 120% यानी कि 6/5 इससे ये कट जाएगा, 6/48 यानी 1/8 एक रुपये में वो कितना बेचेगा 8 टॉफी वो बेचेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। टॉफियों का एक रुपये में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। एक रुपये में 20 बेचने पर 4% की हानि है, 100/96 यहाँ से हमको क्या मिलेगा क्रय मूल्य, 20 × 5 = 100, 5/96 तो 20% का इसको चाहिए प्रॉफिट यानी 120 यानी 6/5 पाँच से काट के 100 से 16 बार में यानी 1/16 वो एक रुपये में 16 की दर से बेचेगा तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा 20% का। आगे देखिए बारह संतरों को 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 12 संतरों को 60 में बेचने पर, तो 60 में 12 बेचने पर 25% की हानि है यानी ये जो है 75% के बराबर है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, ये होगा क्रय मूल्य। अब देखिए 25 × 75 = 100, 4 × 12 3 × 20 टाइम में यानी 20/3 उसका हो गया क्रय मूल्य, और 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 25% का प्रॉफिट यानी कि 5/4 चाहिए, 4 × 4 = 20, 5 × 25/3 वो 25 रुपये में 3 बेचेगा, लेकिन क्या बोल रहा है 100 रुपये में कितना बेचेगा, 100 रुपये में बेचना है उसको, 25 में 3 बेचेगा तो यानी कि 100 में कितना बेचना पड़ेगा यानी गुना 4 × 3 = 12 बेचना पड़ेगा। ठीक है समझ में आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अब आपको बहुत आसानी से बन जाएगा पूरा मतलब कि लाभ हानि चैप्टर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने पे, अब देखिए यहाँ पे आ गया दुकानदार बेईमान दुकानदार टाइप का क्वेश्चन, तो बेईमान दुकानदार टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण मतलब कि तराजू में खोट है प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है एवं सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, धोखा मतलब कि वो खुद प्रॉफिट कमाता है। अब देखिए मान लीजिए 100 रुपये कीमत है, 10% का धोखा किया मतलब 10% का प्रॉफिट कमाया, और फिर से 10% का धोखा किया मतलब फिर से 10% का प्रॉफिट कमाया, इसका वैल्यू बताइए 121 यानी कि 100 रुपये की चीज़ को वो 121 रुपये कीमत का बना देता है, तो अब आंसर कितना हो जाएगा 21। धोखा मतलब क्या हुआ, दुकानदार आपको धोखा दे रहा मतलब दुकानदार अपने आप को प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट को ही धोखा कहा जाएगा। ठीक है तो बेचने खरीदने में 10% का धोखा मतलब 100 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये का जो चीज़ जो है ना उसका कीमत वो 110 बना रहा है लेकिन आपको दे रहा है 100 रुपये ही, अब 110 वाला चीज़ पर फिर से वो 10% का धोखा कर लेता है तो फिर से 110 कर लेते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा 15% का धोखा करता है यानी कि 100 का सामान 15% का धोखा यानी 115% और फिर से 20% का धोखा यानी कि 120%, इसका वैल्यू निकालिए भाई, इसे ये कट गया, इसे ये कट गया, 2 × 12 = 2 × 10 = 5 23 बार में 23 × 6 = 6 18 × 6 = 12 = 13 138 यानी कि ये 100 रुपये कीमत की चीज़ को वो 138 रुपया बना लेता है, तो यानी उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 138 यानी 38% का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बस क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ परसेंट कितना है। अब देखिए
800 ग्राम का बाट यूज करता है यानी कि 200 ग्राम फायदा लेता है 800 ग्राम पर 100%, 2 × 8 यानी कि 25% का उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। 200 ग्राम का लाभ लेता है 800 ग्राम बेच करके, ठीक है ना, 800 ग्राम का प्रयोग करता है यानी कि 200 ग्राम का लाभ होता है उसको 800 ग्राम बेच करके, तो उसको फायदा कितना हुआ 25% का। अब देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम का गलत बाट यूज करता है, बताए उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ। देखिए 900 ग्राम यूज करता है तो उसको 100 ग्राम बच गया, 100 ग्राम बच रहा है 900 ग्राम पर, 900 ग्राम बेचने पर उसको 100 ग्राम बच रहा है, इसका परसेंट निकाल देते हैं 100/9 यानी 11.9 11.1/9 आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचता है परंतु वह 950 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग कर उसके लाभ का प्रतिशत बताइए, तो 50 ग्राम लेता है मुनाफा 950 ग्राम बेच करके, इसको 5 से 19 × 95 100 × 19 5.5/19 एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी वजन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है, 1 किलोग्राम के लिए वह कितना माप यूज करता है, 1 किलोग्राम के लिए 25% का लाभ है ना, ये 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम जो है, 1000 ग्राम जो है ना वह है 25% लाभ के बराबर, 1000 ग्राम क्या है वो 25% लाभ के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100/125, ये 1000 ग्राम जो है ना वो कितना परसेंट के बराबर है, वो 125% के बराबर है, तो यहाँ से आप बना लीजिए 125 कितना बार में, 8 बार में यानी कि 800 ग्राम भार का वो यूज करता है 800 ग्राम भार का। आगे देखिए, एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है और एक पुस्तक के बेचने पर 15% लाभ और दूसरी को बेचने पर 15% हानि होती है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 2 पुस्तक 80 में खरीदता है, देखिए 80 में खरीदता है 2 पुस्तक, 80 में खरीदा एगो पर वो 15% का लाभ लिया, तो यानी 115% यानी 23/20 लिया प्लस, दूसरा में 80 का 15% नुकसान किया यानी 17/20 लिया, 20 × 80 और देखिए 20 × 80 23 × 92 और प्लस 17 × 68 दोनों को जोड़िए कितना 8 × 2 = 10 और 9 × 6 = 15 = 16 160 में वो बेच दिया और खरीदा कितना में था 80 × 2 यानी कि 160 यानी 160 में खरीद के 160 में ही वो बेच दिया, तो उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, दरअसल रुपया के मैटर में तो उसको ना नुकसान हुआ ना तो फायदा हुआ, लेकिन उसको उसका मेहनत बर्बाद गया, तो 15% के केस में ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। एक आदमी 2 बांसुरी 12 प्रति बांसुरी बेचता है, एक बेचने में 20% मुनाफा और दूसरे 20% नुकसान करता है, सब मिला उसको क्या होता है, चलिए 12 रुपये प्रति बांसुरी बेचा, 12 पर 20% मुनाफा यानी कि 6/5 और प्लस 12 पर 20% नुकसान यानी कि 4/5 72/5 प्लस 48/5 इसका वैल्यू निकालिए 8 × 2 = 10 7 × 4 = 11 = 12 120/5 पाँच से कटेगा तो ये 24×5 = 120 24 में यानी कि 12 में खरीदा और मतलब कि 2 का कीमत 24 रुपया यानी कि 24 में खरीदा 24 में बेचा, ना लाभ हुआ ना नुकसान, ना लाभ ना हानि। तो अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, सेम कीमत पर बेचेगा तो आपको उसमें क्या आपको याद रख लेना है कि उसमें ना लाभ होगा ना ही हानि होगा, ठीक है।
दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 है, यदि उसमें से एक को 20% का लाभ था दूसरे को 20% हानि बेचा गया, कुल प्रतिशत लाभ या हानि हो जाएगी। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, यानी कि हजार गुना दो, यानी कि 2000 में क्या है विक्रय मूल्य है, दो कीमत है, 2000 में बेचा है दो सामान को, लेकिन ये 1000 रुपये में बेच रहा है ना, तो ये जो है ना 20% लाभ के बराबर है, यानी कि 100 बट्टा 120 और प्लस ये 1000 रुपया जो है वो 20% हानि है, यानी कि 100 बट्टा 80। इसका वैल्यू निकालिए, 5/6 और 5/4। अब दूसरे तीन बार में दूसरे 505 है 2500/3, 2500/3 में खरीदा प्लस यहाँ पे 4 से 25 चौका 250 × 5 यानी कि 125 1250। इसको जोड़ने पे क्या आता है 2500 + 36 50 ठीक है। बट्टा में 3, इसको जोड़िए तो 0, 5 × 5 = 7, 5 = 12 और 3 × 5 = 6 62/50/3 इतना हो गया। इसका प्रॉफिट कितना होगा 2000 में, इसका माइनस करते हैं 2000 × 6 यानी कि 250/3 क्या है इसका प्रॉफिट है, 250/3 क्या है प्रॉफिट है, तो 250/3 प्रॉफिट है गुना 100 और बट्टा में डाल दीजिए क्रय मूल्य कितना में खरीदा था 62/50/3 3 से 3 कट जाएगा और 25 0 से 0 कट जाएगा 25 बार में 25 × 4 = 100 यानी कि 4% का क्या है प्रॉफिट है, 4% का प्रॉफिट है लेकिन नहीं दिया है। इस प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक किया था, तो 62/50/3 जो है ये क्या है क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किए हैं, जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं तो क्या आता है हानि आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 4% क्या है ये पॉजिटिव नहीं है, ये है नेगेटिव, यानी कि 4% की हानि, 4% की हानि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सत्यम ने 2 रेडियो 3200 में खरीद कर उसे एक रेडियो को 25% लाभ पर था दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया, ये दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है। 3200 में मान लीजिए पहला रेडियो को 100 रुपया में खरीदा था, इसको उसने 25% लाभ पे यानी कि 5/4 पे बेचा बराबर, दूसरा रेडियो कीमत कितना होगा 3200 - x, इसको क्या होगा 25% हानि पे यानी कि 3/4 पे इसको बेचा है, 3/4 पे, तो इससे ये कट जाएगा, तो 5x + ये 3x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3x = 3200 9600 8x = 9600। अब 8 से कितना पड़ेगा 8 × 8 = 12 1200 तो x का वैल्यू कितना निकला 12 1200। अब बेचा कितना में है x का 5/4 में 4 × 3 = 1500 1500 क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 1500। अगला प्रश्न में देखिए,
अमर दो रेडियो में से प्रत्येक को 990 में बेचकर एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि प्राप्त करता है, दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? अमर दो रेडियो में से प्रत्येक को 990 में बेचकर एक पर 10% लाभ दूसरे पर 10% हानि प्राप्त करता है, दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य कितना, कुल क्रय मूल्य कितना होगा? एक दो में प्रत्येक को 990 में बेच करके, प्रत्येक को बेचता 990 में, एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि प्राप्त करता है, दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा, प्रत्येक को 990 में बेच रहा है ना, 990 में बेच रहा है, 10% लाभ है, यानी कि 100/110 11 नामा, यानी कि 900 में एओ को खरीदा था, और दूसरे पर 9% की हानि है, यानी कि 990 का 10% लॉस है ना, तो 100/90 9 से 11 बार में तो 1100, और क्या बोला, दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य 1100+900 यानी कि 2000 रुपये, 2000 क्या होगा, कुल क्रय मूल्य। ये अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां ए और बी 650 की कुल कीमत पर खरीदी, वह ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचकर दोनों घड़ियों का वही विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम दोनों जगह करते हैं विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कर देते हैं दोनों। विक्रय मूल्य तो मान लीजिए ए का क्रय मूल्य एक्स रुपया, ए का क्रय मूल्य कितना, एक्स रुपया, 20% लाभ पे, 20% लाभ मतलब 6/5 पे, 6/5 पे बराबर 650 माइनस एक्स को क्या करता है, 25% हानि पे, यानी कि 25% हानि मतलब 25% हानि मतलब 3/4, इसका वैल्यू निकालिए, 6x/5 बराबर, इसमें बना के 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 4 एक नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 325 × 3 925/2 -3x/4 ये इधर ले आइए, 6x/5 + 3x/4 बराबर 925/2। अब देखिए 5 × 20 6×24x और प्लस 15x, 24x और 15x कितना हो, एक्स होगा 24×15 = 39x, 39x/5×20 बराबर 925 2 से ठीक है, 10 बार में 5 × 2 = 7 × 9 = 16 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं 13 से कटेगा, 3 × 6 = 73 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कहीं गलती हुआ। और इसमें हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, क्योंकि यहाँ पे 325 को हमें गुना करना 3 से, तो 25 × 3 = 75 होगा ना, तो यहाँ पे 975 होगा हमेशा, 975। अब देखिए 39x/975×10 ये कितना से कटेगा, 39 × 7 = 12 9 ये 3 से कटेगा, 3 से ये कटेगा 13 बार में, 3 से 3 × 9 और 25 × 3 = 325 13 से कटेगा 13 × 2 = 26 13 × 5 = 62 13 × 26 = 65 13 × 26 = 65 25 यानी कि 250 आएगा, एक का कीमत आएगा 250 और दूसरा कीमत कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। हमने वहाँ पे 975 की जगह पे 925 लिखा था, ठीक है। आगे देखिए,
एक व्यक्ति ने 650 की कमीजें खरीदी, 650 की कमीजें खरीदी, उसमें से उसने एक को 7% लाभ में दूसरी को हानि में बेच दिया। 650 की प्रत्येक है क्या 650 में प्रत्येक है क्या 650 में बोल रहा है कि दो खरीद रहा है। 650 की कमी है यानी कि 650 की यहाँ पे दो लिखेगा, 650 रुपये में दो कमीजें खरीदे, 650 रुपये में दो कमीजें खरीदे और एक को 7% लाभ पे, और इस बिजनेस में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल बराबर विक्रय मूल करना पड़ेगा। तो क्रय मूल कितना 650 बराबर विक्रय मूल कितना x का, मान ली पहला कीमत है x रुपया, 7% लाभ में यानी 107% प्लस, दूसरा कितना हो जाएगा 650 माइनस एक्स को कितना परसेंट में 6% हानि में यानी कि 94% में 94% में बेच रहा है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 650 बराबर 107x बट्टा 100 प्लस, और 650 गुने 94 बट्टा 100 माइनस 94x बट्टा 100, इसको इधर ले आते हैं। चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कटेगा तो कटा देते हैं, इससे ये कट जाएगा और 5 से आएगा 13 बार में, 5 से आएगा 2 बार में, 2 से आएगा 47 गुने 13 यानी कि 650 माइनस 47 गुने 13 13 सतह 91 और 13 चौक 52 और 9 61 611 बराबर 107 माइनस 94 ठीक है, 107 में से 94 गया कितना हो जाएगा 107 में से 94 घटा तो 7 6 13 13x ठीक है 13x बट्टा 100 यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा 39 बराबर 13x बट्टा 100 13 3 39 तो x का वैल्यू कितना 300 x का वैल्यू कितना 300 तो क्रय मूल कितना था 300 और 350 x का वैल्यू कितना आ रहा है 300 रुपया ठीक है। तो आपका ये रहा आपका लॉस एंड प्रॉफिट का पूरा फुल कंप्लीट चैप्टर। अब ये शायद 3-3.5 घंटा का होगा, 3.5 घंटा में पूरा लॉस एंड प्रॉफिट खत्म। तो आप इसको बनाइए, 2-3 बार बनाइए और फिर आप आगे बढ़िए डिस्काउंट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।